रहेगा। अब फोर्थ जो स्टेज है जिसमें आपको चार क्लास पढ़ने हैं उसको हम हायर स्टेज कहते हैं। हायर स्टेज में आपको 9th to 12th की पढ़ाई करना पड़ेगा। अभी तक का जो हमारी पॉलिसीज आई हैं उनके अकॉर्डिंग 9th में से जो जो कि सब्जेक्ट हम लोग 11th से चेंज किया करते थे, पर्टिकुलर स्ट्रीम हुआ करती थी, जैसे आपको मैथ हो गया, साइंस हो गया, बायो हो गया, कॉमर्स हो गया, तो वो चीज़ें अब 9th से स्टार्ट होने वाली हैं। 9th से ही आपको प्रॉपर सब्जेक्ट दिए जाएंगे, चाहे मैथ ले लो, चाहे कॉमर्स ले लो, चाहे आर्ट ले लो, चाहे जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हो वो सब्जेक्ट ले सकते हैं और 12th तक। और सबसे बड़ी चीज है जो हम लोग ईयरली एग्जाम की तैयारी किया करते थे कि 9th में हो गए तो उसको लास्ट बार पढ़ो फिर एग्जाम दो, तो वो नहीं होगा। अब 9th to 12th सेमेस्टर एग्जाम होगा, ये सबसे बड़ा चेंज है हम लोगों के लिए। आपको एक सेमेस्टर देना पड़ेगा फिर दूसरा सेमेस्टर देना पड़ेगा 9th to 12th। आपकी बोर्ड एग्जाम्स जो अभी तक का नॉलेज है शायद बोर्ड एग्जाम हटाया जा रहा है और केवल सेमेस्टर बेसिस पे रहेगा, और जितना भी आपका 9th to 12th का डेटा है मतलब पढ़ाई डेटा उसके बर्डन को कम किया जाएगा। आप सब्जेक्ट में चाहे म्यूजिक ले सकते हैं, चाहे आर्ट ले सकते हैं, चाहे मैथ ले सकते हैं, चाहे साइंस ले सकते हैं, जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं वो सारे सब्जेक्ट अवेलेबल रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत का रोल बहुत बढ़ रहा है और हिंदी का, संस्कृत और हिंदी का इम्प्लीमेंटेशन दोबारा से होने वाला है। आपको उच्च शिक्षा मतलब जितने भी कॉलेज होंगे जितने भी है वहाँ पर हर जगह संस्कृत की पढ़ाई की जाएगी, यहाँ तक कि सारे सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत में भी पढ़ाए जाएंगे। तो संस्कृत आप शुरू से अंत तक भी पढ़ सकते हैं, आप कोई इसमें ना तो आपको रोक सकता कि ना ही आपको कोई बाध्य कर सकता कि आपको अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य ही है। अंग्रेजी क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा टैलेंट जो कुचला जाता था अंग्रेजी के नाम पे जो कुचला जाता था, क्योंकि जो बच्चे उनके पास ज्ञान होता था साथ वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी में वीक हुआ करते थे क्योंकि मैक्सिमम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते थे, तो उन्हें राहत रहेगी। हमारे देश की जो भाषा है हिंदी उसको बढ़ावा देने के लिए ये सब चीज़ें किए जा रहे हैं, और हिंदी का प्रेफरेंस हर जगह रहेगा, चाहे आपका साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, आपको हर जगह आपकी मातृभाषा का ज्ञान हुआ होना ही पड़ेगा। और हिंदी को नेशनल लेवल का जो दर्जा है उसको इंटरनेशनल भी करने का चल रहा है कि हमारी जो हिंदी भाषा है, जैसे आपको चाइना में चले जाएंगे तो वहाँ चाइनीज़ बोलना अनिवार्य है, वैसे भी हिंदुस्तान में हिंदी बोलना अनिवार्य हो जाएगा। इसके साथ ही ये तो आपका सेमेस्टर हो गया 9th to 12th का हो गया, मैंने बता दिया। अब ये इससे जो बेटर है कि बेहतर जो चीज़ें यहाँ से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि जैसे हमने कोई अच्छे मार्क्स नहीं आए, हमको कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा है, उसके लिए एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि सभी, अगर आपके एग्ज़ाम में कोई अच्छे नहीं गए हुए हैं तो आप एक एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके थ्रू आपका आराम से कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो कॉलेज का पहले वर्ष हुआ करता था कि आपने देखा होगा आपके लोगों को कॉलेज का वर्ष था 4 साल था, 3 साल था, 3 साल हुआ करता था, तो उसमें अगर कोई बच्चे पूरा नहीं कर पाए तो यदि कोई बच्चा पढ़ाई करते वक्त अपना जो ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाता है तो उसके लिए अभी हमारे यहाँ जो ग्रेजुएशन का पैटर्न है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक 3 वर्ष का ग्रेजुएशन रहेगा, एक 4 वर्ष का ग्रेजुएशन रहेगा। जो 4 वर्ष का ग्रेजुएशन रहेगा उसमें आपको रिसर्च किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च 1 साल का रिसर्च करने का मौका दिया जाएगा, और जो 3 वर्ष का रहेगा वो नॉर्मल डिग्री रहेगी, ठीक है। अब बात आती है कि जो लोग 1 साल में छोड़ देते थे, 2 साल में, कोई किसी के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती थी, कोई किसी के घर में कुछ घटनाएं घट जाती थी, कोई पढ़ाई पढ़ नहीं पाता था, तो उनके लिए ये है कि अगर आपने कॉलेज का 1 वर्ष किया हुआ है तो आपको 1 वर्ष का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। यानी जितनी आपने पढ़ाई की है आपको सिस्टम से हटना नहीं दिया जाएगा, और यदि आपने 2 वर्ष की पढ़ाई की है तो आपको 2 वर्ष का डिप्लोमा मिलेगा। बाकी 3 वर्ष और 4 वर्ष का मैंने आपको बता दिया है। पीजी का ये रूल रहेगा कि 1 साल या शायद अभी पीजी का बन रहा है 1 साल या 1 साल के प्लस होने वाला है, 1 साल या 2 साल का पीजी बढ़ सकता है, तो पीजी आपका बढ़ जाएगा। साथ में आपको पता होना चाहिए बीएड 2 साल की जगह 4 साल का होने वाला है,
मतलब बीएड की भी चर्चा चल रही, बीएड आपका 4 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि जिन्होंने अभी तक बीएड 2 साल में किया हुआ वो तो ठीक है, क्योंकि शिक्षकों का बहुत अभाव हो गया है, तो उस वजह से और शिक्षकों की योग्यता में भी बहुत अभाव हो गया है, तो उस योग्यता को दूर करने के लिए बीएड को 4 वर्ष का किया जा रहा है, और आपकी ये जो एमफिल हुआ करती थी उसको हटा दिया गया है। और टीचर्स के लिए एक बड़ी चीज़ है कि आप टीचर्स का एक पर्टिकुलर एग्जाम देना पड़ेगा एक वेरीफाइड टीचर बनने के लिए, आप किसी भी स्कूल में यूं ही के किसी टीचर को नहीं रख सकते हैं, उसका एक ऑल इंडिया लेवल में एग्जाम होगा, अगर वो आप एग्जाम निकाल पाते हैं तभी आप टीचर बन पाएंगे। और आपको एक बड़ा डेटा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे भारत में करीबन 30 करोड़ बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, उनको केवल 80 लाख टीचर ही पढ़ाते हैं, मतलब 30 करोड़ बच्चों में केवल 80 लाख टीचर हैं, तो टीचर से कभी जो ग्रोथ है रेट है उनको भी बढ़ाना पड़ेगा, उनकी भी संख्या बढ़ाई जाएगी, साथ में टीचर की योग्यता देखने के लिए उनका एक साल में 2 बार टेस्ट भी होगा, अगर शिक्षकों में वो योग्यता नहीं पाई गई तो उनको हटाया जा सकता है। जो रूल बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा वही रूल से टीचरों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा। ये तो हो गई अपने यहाँ की शिक्षा की बात, अब आपको जो बाहरी शिक्षा की बात बताता हूँ, जैसे कि हमारे जो बड़े बड़े शहरों के बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए एक बेहतर चीज़ है कि हमारे देश में सौ यूनिवर्सिटी आने वाली हैं जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी होंगी, और वो आके भारत में अपना जो पढ़ाई का मास्टर हो गया या नॉर्मल डिग्रीज हो गया वो भी भारत में सेयर अप करने वाली हैं। तो पढ़ाई के लिए एक अच्छा जो पैटर्न लाया है हमारी गवर्नमेंट ने, तो इसे सबसे अच्छा डिसीजन कहा जा सकता है। और आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन से ही जो आपका शिक्षा का विभाग पहले हुआ करता था मानव विकास संसाधन, वो बदल कर शिक्षा मंत्रालय बन चुका है। तो आप लोग को जहाँ पर भी कहीं कोई दिक्कत आ रही, हाँ, और सबसे बड़ी बात है 9th वाले बच्चों को मैं बताना चाहूँगा जो 8th और 9th पास करके जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो रूल्स हैं सारे वो 2020 अभी शायद कैबिनेट में तो पास हो गया, संसद में भी जाने वाला है, 2021 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब 2021 में जो बच्चा 9th में जाएगा वो नई शिक्षा प्रणाली को पढ़ेगा, और जो भी नए बच्चे आएंगे और जो ग्रेजुएशन में जाएगा वो भी बच्चा नए सिस्टम से जुड़ेगा। तो सभी को इन सबको देखने के लिए, अगर कोई बच्चा अभी 9th में है तो वो चाहे अगर 1 साल रुक सकता है, तो क्योंकि अगर उसे नई शिक्षा और अच्छी प्रणाली में पढ़ना है तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के, और ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कहाँ पर आपको क्या समझ में नहीं आया, अगर कोई न्यू पॉलिसी हमारे पास कोई अपडेट आती तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू। We'll be right back.